भाई ये क्या है, आईक्यू सोल वर्सेस डब्ल्यूएसबी, मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा। पता सिर्फ भी कहता हूँ विद डब्ल्यूएसबी बाहर, अगर आईक्यू सोल इस मैच में 15-20 किल चिकन निकालेगा तो शायद जीत सकते। 5 फिनिशेस स्टिल अभी सारे किल्स निकाल के चिकन कर दिए ना, मजा आ जाएगा देखने में। अबे ये क्या हो गया, अबे सीएस रणदीप 1v4 या 1v3 आईक्यू सोल। तो हेलो एवरीवन, दिस इज मिस्टर पैक। आज का वीडियो काफी इंटेंस होने वाला है क्योंकि आज है स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आखिरी दिन। कल हमने ऑलरेडी देखा है कितना क्लोज चल रहा है नंबर्स। #1 पे WSB गेमिंग, #2 पे सोल, #3 पे रेवेनेंट एंड #4 पे ब्लाइंड। एंड जो पॉइंट्स डिफरेंस है ना, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट, इतना क्लोज चल रहा है। वन गुड मैच एंड कोई भी हैशटैग बना सकता है, एंड वन बैड गेम कोई भी नीचे जा सकता है। सो द प्रेशर इज रियल, ओनली द कंसिस्टेंट टीम्स विल स्टे ऑन द टॉप एंड द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम विल लिफ्ट द ट्रॉफी। जो भी होगा बहुत मजा आएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नीचे एक लाइक वाला बटन होगा, उसको फटाफट हिट कर देना ऐसे वीडियोस हर रोज देखने के लिए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर दो यार, वी आर वेरी वेरी क्लोज टू 900K सब्सक्राइबर्स, वी जस्ट नीड 3000 मोर, मेक इट हैपन गाइस, लेट्स फ्रीकिंग गो। एंड विद दैट बीइंग सेड, नाउ लेट्स गेट Started. Top 5 players की बात किया जाएगा तो #1 पे है WSB Gods with 49 finishes. At #2 we have OG Drigger. At #3 we have Fierce with 42. Followed by Win God Max with 41 and Kemini Sports Venom with 40. देखते हैं आज के 6 मैचेस खत्म होने के बाद कौन बनेगा टॉप फ्रैगर। टोटल 6 मैचेस होने वाले हैं। The match 1 is about to begin. Let's go. Win God versus Medal Esports. थर्ड पार्टी करने के लिए आईक्यू सोल आ सकता है। टॉप डॉग नॉक फ्रॉम सवितार्स ग्रेनेड, संयम भी नॉक, मेडल के दो बंदे नॉक। यहाँ बचते हुए मेडल ईस्पोर्ट्स की तरफ से ये तो पैन लेके जा रहा है, संयम को भी पैन मारा। आखिरी दिन थोड़ा मस्ती मजाक चल रहा है। अरे भाई साहब, ओए होए, मेडल एनकोर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर मेडल ईस्पोर्ट्स। आई डोंट थिंक आईक्यू सोल आएगा थर्ड पार्टी करने, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे वांट, दे आर जस्ट वेटिंग फॉर WSB टू डाई। टू बी ऑनेस्ट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्लोज रेंज फाइट्स। नाइस वन रे मान्या, नाइस वन, आई थिंक दे आर पुशिंग। गुड ग्रेनेड वेरी नाइस एग्जीक्यूशन फ्रॉम आईक्यू सोल। 4 पॉइंट्स मिल गए, मतलब 4 फिनिशेस। देखो जोन स्टार्ट हो चुका है, पीछे से आवाज आ रही है। आईक्यू सोल इज स्टिल सर्वाइविंग, WSB इज स्टिल सर्वाइविंग। मान्या नॉक, फिनिश S power, knock. This is what I was talking about. भाई hard cover बिल्कुल नहीं है soul के पास, and दो casualties हो गए already. It's 2 man now. बाकी भी आ रहे हैं। ओए! IQ soul बाहर हो गया। WSB कहाँ है? WSB still surviving है। ये क्या हुआ था भाई? ओए! Get गाड़ी में get in करके बैठा था यार हर्ष। कौन चिकन निकालेगा? इफ आई हैड टू पिक वन टीम, आई थिंक आई विल प्रोबब्ली गो विथ ओजी। बहुत अच्छा कर रहा है ओजी, एंड आई थिंक वो निकालेंगे ये वाला मैच में चिकन। आई वांटेड टू से केविन ईस्पोर्ट्स एज वेल, बट देखो मैं बोलते ही ओजी ऑन अ डोमिनेशन। ओजी ट्रिगर टॉप फ्रैगर लिस्ट में #2 चल रहा है, तो प्रोबेबली इस मैच के बाद वो #1 हो सकता है, किसको पता। 5 किल का डिफरेंस चल रहा है, कितने किल चल रहे हैं इधर का?
को ये डिनर चाहिए। देखिए एयरपोर्ट बाहर है, स्मोक तो किया था वहां पे, बट जोन के अंदर। कैमरामैन प्लीज ओजी को दिखाओ एक बार। अरे भाई एक ही नॉक पड़ा है। लान ने ओजी के एक एओपी को डाउन किया। ये क्या हुआ ओजी के साथ? ट्रिगर इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। सब माफ किया जाएगा मैदान पे। भाई क्या हुआ, क्यों हुआ ये? सीएस वाले जोन में आने से पहले ही मर गए। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन भी निकाले, कैमे निकालेगा और कौन निकालेगा। फोर मैन स्ट्रॉन्ग है, दे रहे हर किसी को, और कौन निकाल सकता है केमिन छोड़ के। किसी को चाहते हो तो, लेकिन एक स्लैम इन आएगा, आ चुका है। देखिए रेडॉक्स ऑलरेडी आगे बढ़ चुके हैं, इनफैक्ट उनको पोजीशन अच्छी तरीके से पता है। एक हाई टॉस नेड यहां डाला जाएगा बिना कुक किए। ये ग्रेनेड अगर सटीक जगह पे जाता है तो वैल्यू निकाल के जा सकते हैं, वैल्यू निकलेगा लेकिन उतना ज्यादा नहीं। 50% एचपी के साथ अभी भी मैंटी सर्वाइव करते हुए। एरोबॉट 3 मैन है, करेंगे वो देखने वाली बात, बट इट्स अ 1v 4v 3 सिचुएशन है। वो सब बाहर हो चुके हैं। बट रेडॉक्स को एंगल मिल जाएगा शायद। स्पाई गाड़ी तक गया ना, दिक्कत हो जाएगा। अगर गाड़ी तक गया स्पाई, आप देखें वो अभी भी दिक्कत हो जाएगा। जोन के अंदर स्मोक की चादर के बीच में से जाते हुए यहाँ पे आपको उनको अपना मैजिक दिखाना पड़ेगा। इफ दे वांट टू विन दिस वन, स्पाई देगा। स्पाई की पोजीशन देख के दे दिया। जेम्स बॉन्ड वाला म्यूजिक 3v3 स्पाई नॉकआउट निकालेंगे। ओपनिंग नॉक को मिल चुके, लेकिन दूर से स्पाई भी गया। उन्होंने देखिए कालान इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर ऑटोबॉट्स। ऑटोबॉट्स नहीं, एरोबॉट्स। एरोबॉट्स अच्छा खेल रहा है, बट आई डोंट थिंक इस मैच के बाद टॉप 3 टॉप 5 का कुछ होगा। बट स्टिल दे आर कंसिस्टेंट, दे आर डूइंग गुड। ये पोजीशनल एडवांटेज उन्होंने अपने नाम, बट #1-2 के बाद क्या जाएगा? आई थिंक नथिंग हैज चेंज्ड, एवरीथिंग इज द सेम। तो विदाउट वेस्टिंग एंड अपन बढ़ते अपना मैच 2 की तरफ। ओए ओनली सिर्फ मेडल के पास है सर्कल, वो भी सेंटर टॉप डॉग, बट मीरामार में सेंटर इज नॉट द बेस्ट। सुप्रीम पोजीशन हर जगह, जहां प्लेयर दिख रहा है वहां उस पर मेडल का स्प्लिट देखो भाई, बड़ा डेंजर स्प्लिट है ये। मेडल ने एक कोड क्रैक कर लिया है मुझे लगता है इस मैच का। दोनों के साथ फाइट एक साथ लेने के चक्कर में मरना जाए। मेरा प्रेडिक्शन यही है कि मरेगा मेडल अगर अच्छे से कैलकुलेट करके फाइट नहीं लेगा तो। पूरा एडवांटेज है मेडल पे। तो दैट्स माय प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच, मेडल ईस्पोर्ट्स विनर विनर चिकन डिनर। चल रही है ये, बट सीएस की स्क्वाड वो सर्कल के अंदर आना चाहते हैं। लियो व्हाइट ईस्पोर्ट्स, सीएस ईस्पोर्ट्स बाहर। काफी सफाई और लॉन्ग फिनिश इज ऑलरेडी। अरे भाई सोल आई थिंक थोड़ा सा अर्ली रोटेशन कर लिया, और ये नौवा फिनिश जो जाएगा उनके खाते में, इतना अर्ली जाने की वजह से पेटी बन गया मानिया का। सर्कल के अंदर जाने की कोशिश है, कामयाबी मिलेगी जी नहीं, बदला लेने के लिए खड़े यहाँ पे सुपर पावर ऑफ टीम आई को सोल। एक खिलाड़ी को नॉक उन्होंने किया जरूर है, बट अभी भी सर्कल के अंदर जोकर का आना बाकी। जी हाँ, जोकर का सर्कल के अंदर आना बाकी जरूर है, बट डैमेज तो वो भी यहाँ पे अटेन करते हो। इधर अगर बात की जाए कलान, वो एक और फ्राग निकालेंगे डोमिनेशन। अरे बाप रे, बताई को सोल जोकर ही खत्म, सोल बाहर। इट्स ओवर फॉर आई को सोल एज वेल, एंड मेडल वो टीम बनती है जो 12 फ्राग निकाल चुके, मेडल वो टीम बनती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली मेडल वही बनी है क्योंकि मैंने प्रेडिक्ट किया। ऑब्वियसली आखिरी प्लेयर वो अभी भी 12 फ्रीकिंग फिनिशर्स, लेट्स गो बे। WSB 3 मैन स्ट्रांग है, उनके पास पूरा मौका है वो गैप और बनाने के लिए, आइकुसोल को ना रीच होने के लिए।
अरे बाप रे, अग्गीज पैंपर्स हो गया पंक की तरफ से एंड मिडल ईस्ट स्पोर्ट्स। ओए संयम इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। भाई डब्ल्यूएसबी का चिकन क्या आ रहे, डब्ल्यूएसबी वाला आ गए। रोबोट के खिलाड़ी को नीचे की तरफ मौजूद जरूर व्हाट का जो एग्जीक्यूट हो, बट डब्ल्यूएसबी इस चिकन डिनर के साथ ओवरऑल स्टैंडिंग्स में एक बहुत बड़ी जंप को लेने वाला। डब्ल्यूएसबी का चिकन है बॉयज, बड़ी जंप होगी जहां पे शायद चेस कर। डब्ल्यूएसबी का चिकन है, मैंने बोला मेडल का बट मेरे को लग रहा है एंड इस चिकन के साथ आई थिंक बहुत अच्छा गैप बन जाएगा सोल एंड डब्ल्यूएसबी के बीच में। आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा इस मैच के बाद। चल मेडल चल। By the way, मेरा लैंग्वेज तेलुगु में मेडल मीन्स नेक, थोड़ा फनी लगता है मुझे ये बोलने में। मेडल चल मेडल मतलब नेक चल नेक क्या है। संयम इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर मेडल नेक ईस्पोर्ट्स। गया मैं, मेरा नेक गया, मेरा प्रेडिक्शन गया। डब्ल्यूएसबी अरमान गॉड्स रेडन एंड ज़ेरफ, चुम्मी वाला गेम प्ले, चुम्मी वाला गेम प्ले। ओए होए 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 15 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 15 मुझे लगा 30 बट सिर्फ 15। चलो पॉसिबल है, पॉसिबल अभी भी, देखते हैं अपना मैच 3 में क्या होगा। अब एट दिस पॉइंट जब WSB चिकन निकाला चैट में ये सब चल रहा था, जस्ट सो यू गाइस नो, ये सब देख के मेरे को अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा क्योंकि मैंने ऑडियो अप्रोच किया था WSB मैनेजमेंट को, दे वर वेरी सपोर्टिव इन प्रोवाइडिंग द हैंड कैम्स POVs एंड एवरीथिंग। एंड आज सामने से पूछ रहे WSB का मैनेजमेंट सेइंग दैट और POVs चाहिए क्या भाई, और क्या ही चाहिए प्रूव करने के लिए। जो भी है अपन चेंज नहीं कर सकते किसी का माइंडसेट, बस प्रोवाइड कर सकते हैं। जो भी हो अपन बढ़ते अपना मैच 3 की तरफ। अबे सोल रोनी गिर के नॉक हुआ, अरे भाई साहब ज्यादा मुश्किलों में देखने को मिल जाएंगे। रोनी वहां पर नॉक आउट है, जो फिनिश है वो भी सिक्योर किया जाएगा। वो भी सोल किस पे स्लैम दिया, WSB पे। वाओ जैकपॉट फॉर WSB, जोकर नॉक WSB वर्सेस सोल हो रहा है। Now this is serious. वो चाहते हैं पुश इन करना। मान्या एंड एस पावर आर द लास्ट मैन स्टैंडिंग फॉर IQ सोल। नाइस वन रे मान्या, इंस्टेंट बेटी। वो फाइनली जो इंपॉर्टेंट फिनिश है वो निकालते हुए नजर आएंगे। गॉड्स की बात करें उनको डाउन किया जाएगा। टीम IQ सोल वो यहां पर आए। बट द टेबल्स हैव टर्नड, अरमान अकेला बचा है WSB की तरफ से। अरे भाई फिनिश करने के चक्कर में यार, He should have took the fight. 1v2 करने का कोशिश करना था, कोई बात नहीं। अब मौका है सोल के पास, पूरा मौका है। सोल को गैप क्लोज इन करना है 15 पॉइंट्स का गैप। मीन्स चिकन डिनर विद ऑल द किल्स दैट आर अवेलेबल इन द लॉबी राइट नाउ। भाई सेवेंथ जोन क्लोज हो रहा है, अभी भी 4 टीम सर्वाइव कर रहे हैं। Blind, IQ Soul, Entity and Revenant. Pro Soul निकालेगा चिकन ये। I can feel it. अरे भाई, surprise of ओए, trade ले लिया, skips. Gamla is the last man standing for Entity now. जोन के बाहर से इधर बोल के जोन के बाहर आकर के हम प्रीटी श्योर की फिनिश निकालने के लिए नहीं जाएंगे, पर टीम रेवेनेंट उनके पास भी एक मौका बचता है। अभी भी कह पाना बहुत मुश्किल कि ये चिकन डिनर आखिर जाएगा तो जाएगा किसके पास। हल्का सा सर्कल के अंदर भी जाना पड़ेगा अगर गमला बॉय की बात करें उनके जर्स। नाइस वन रे गमला, लास्ट वन, 1v1। अबे यार ओए फियर्स का एंगल देखो, फियर्स का एंगल देखो, सेक्सी। दोनों किल चोरी कर दिया अबे फियर्स ने।
खाते में लेके जा रहे हैं, बट आई कू सोल जो भी हो फायदा तो सोल का ही है। सब लड़के मर रहे हैं, रेवेनेंट एंड सोल का फायदा है। सोल को अब सिर्फ कितने बंदे बचे, 5 बंदे बचे भाई। रेवेनेंट इज द मेन कंपटीशन फॉर आईक्यू सोल, तो एक ओपनिंग की जरूरत है आईक्यू सोल को। देखते क्या वो ओपनिंग मिल पाएगा कि नहीं। फियर्स वो मान्या को रोकना चाहते थे जोन श्रिंकिंग होने से, बस 24 सेकंड का यहां इंतजार है और उसके बाद रेवेनेंट देखिए जो सही मौली किया मान्या ने, लेफ्ट एंगल को चेक करेगा वो राइट है, लग गई। ब्यूटीफुल रे मान्या, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलो अब हो गया, इट्स 3v3 सिचुएशन नाउ। मैंने बोला सोल का चिकन मतलब सोल का चिकन बराबर, कोई गलती नहीं कर रहा है। वेरी कैलकुलेटिव मूव्स आर बीइंग मेड बाय आईक्यू सोल। फियर्स गया, अरे भाई साहब सिम सिम प्यार सोल बाहर भाई। सिंप ने जो एकदम से गया ना मान्या, did not expect that। Hashtag 3 पे गया है, I don't think skip skill देगा, thought so। भाई अंदर का एनर्जी निकल गया मेरे को भाई। skips ने पूरा momentum लिफ्रेट कर दिया बे। well played skips, well played। एक नंबर, Sensi, Fierce, Aquanox and Blaze। I think with this match Revenant should be in top 3 again। They were in top 3 already। जो भी है अच्छा खासा क्लाइम हुआ इसके बाद, but still #1 WSB and #2 आईक्यू सोल। देखते कुछ चेंज होगा कि नहीं बोल के नेक्स्ट मैच में, बढ़ते अपना मैच 4 की तरफ। बट WSB यार फंस गया, WSB फंस गया एंड एरोबॉट्स पूरा कोशिश कर रहे पिक ऑफ करने के लिए रेडन को। Where is आईक्यू सोल? कैमरामैन कैन यू प्लीज शो आईक्यू सोल का है? तो कैमरामैन सेज नो। आफू पानी में मरेगा क्या? मार मार मार, एक शॉट एक शॉट एक शॉट एक शॉट एक शॉट एक शॉट लग जाए भाई, एक शॉट रेडन एक शॉट। अरे बाप रे क्या बात है मिया, ये कहां से मार खाया आफू ने रेडन को नॉक किया एंड गॉड्स ने आफू को नॉक किया। नाइस ब्रो, आईक्यू सोल का है। Don't tell me आईक्यू सोल ऑडी मर गया। Nope, of course not, इधर है। WSB का अच्छा मैच नहीं जा रहा है और मान इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड दैट इज म्यूजिक टू आईक्यू सोल्स ईयर्स, क्योंकि आईक्यू सोल कम बैक करने के लिए मौका मिल गया। अब करना पड़ेगा इस मैच में कुछ ना कुछ, टॉप 3 विनर चिकन डिनर जो भी जितना हो सके उतना। अरमान भाई रुक क्यों गए? पिंग हाई हो गया लगता है, अभी तक वीडियो देख रहे थे कमेंट करना पिंग हाई, तब मेरे को पता चलेगा तुम लोग इधर तक वीडियो देखा है बोल के। आईक्यू सोल नाइस वन, ओए होए मान्या भी नॉक। अरमान खत्म, दैट मींस WSB बाहर। उसी के साथ साथ आईक्यू सोल भी बाहर भाई, छेल क्या रहा है। ये पूरा मौका था आईक्यू सोल के पास, पूरा मौका एंड इट्स ओवर, आईक्यू सोल ही बाहर भाई। अब सिर्फ 3 मैचेस बचा है, उस 3 मैचेस में अगर WSB नहीं हगा तो भाई दिक्कत हो जाएगा आईक्यू सोल के लिए। जोन स्टार्ट हो चुका है, देखते हैं अब। रेवेनेंट 4 मैन स्ट्रॉन्ग, एंटिटी विन गॉड टीम तमिलास। आई थिंक रेवेनेंट का इजी चिकन है इस मैच में, 4 मैन स्ट्रॉन्ग है, कंपाउंड का पूरा कंट्रोल है। चोक कैसे कर सकते भाई रेवेनेंट कैसे, आई डोंट सी इट, आई डोंट सी इट।
अपना कहर बरसाएंगे रेवेनेंट के सिर को। वेरी वेरी इजी पीजी सेंसिनो कैसे हुआ? टीटी स्लैम दे दी क्या? गया रेवेनेंट पे स्लैम दे दिया टीम तमिलास। ओए नाइस वन रे टीम तमिलास 10 फिनिशेस। वाओ नाइस भाई रेवेनेंट को क्या हो गया भाई? मैंने बोला इजी चिकन, इजी बाहर नहीं, डिफेंड नहीं कर पाए कंपाउंड। टीम तमिलास अपने गन पावर के साथ रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स को बाहर करते हुए। आई हैड सो मच फेथ इन रेवेनेंट बट हुआ नहीं इस बार। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नो नो इट वाज हाइड्रा ऋषभ। नाइस गया। नाउ इट्स टाइम फॉर ट्रॉय टू क्लच इट और डाय। गाड़ी लेके गया। And with that, it's a winner chicken dinner for Team Tamilas. भाई काफी टाइम हो गया टीम तमिलास का चिकन लेके। But एक बार ओवरऑल स्टैंडिंग्स देख लेते हैं। अब मेरे को देखने का खुजली हो रहा है कितना पॉइंट्स का डिफरेंस है। सिर्फ 3 मैचेस बचा है। लेट्स टेक अ लुक। ऑफ कोर्स हाइप रखने के लिए ये लोग पॉइंट्स टेबल भी नहीं दिखाया है। चलो सह लेते, बढ़ते अपना मैच 5 की तरफ। ओजी वर्सेस हाइड्रा। ओजी इज पुशिंग। आई लाइक इट लेट्स गो। खत्म स्पर्श। भाई आई थिंक ट्रिगर बनेगा इस बार। टॉफ राइगर बहुत मार रहा है वो। उनसे भाग के हाइड्रा आ गया है डब्ल्यूएसबी पे। हाइड्रा वर्सेस डब्ल्यूएसबी। रेडन सिंस को नॉक किया। नाइस वन रे। ओए अरे भाई रेडन 1v3 हाइड्रा। लेट्स फ्रीकिंग गो। रेडन अकेला था इस कंपाउंड में। हाइड्रा ओजी से भागते इस कंपाउंड पे स्लैम दिया था एंड रेडन ने एक क्लीन 1v3 किया हाइड्रा को। नहीं रणदीप ने किल चोरी किया रेडन का। जिम जैम डिसाइड्स टू पुश। जिम जैम और अब वो सीएस के साथ फाइट लेने के लिए चले गए। अरमान उनके लिए एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित होता हुआ ये सीएस का आगमन। सोल को पता है एग्जैक्टली कितने बंदे बचे डब्ल्यूएसबी का। दे आर जस्ट वेटिंग आई गेस। दे आर जस्ट वेटिंग। जिम जैम आ रहा है। आई थिंक अरमान इज स्पॉटेड। ओए नाइस वन अरमान। नाइस वन वो नेड भी करेंगे। जिम जैम को यहां पे डॉक किया जाएगा। भाई ड्रैगन इज नॉट पुशिंग एंकी। क्यों नहीं पुश? अरमान पुश कर रहा है बे। ऐसे लग रहा है अरमान इज पुशिंग। शायद अभी के लिए वो थोड़ा लुक एट दिस मैन्स। लुक एट दिस मैन्स ब्रेवनेस। मुश्किल बना सकती है बट अरमान ये ग्रेनेड अगर कनेक्शन बनाएगा तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ेंगी। अरे बाप रे जाते और एक को नॉक कर दिया भाई। अरमान के लिए फायर इमोजी कर दो कमेंट सेक्शन में। आग की आग। फाइटर है भाई वो। फाइटर है वो। इमेजिन दैट ग्रेनेड कनेक्टिंग ऑल 3 ऑफ देम। घर जाते थे जिम जैम। बट जिम जैम बिस्कुट इतना अच्छा है कि मरा नहीं। उस लीड को कम करने का और अपने आप को पहले पायदान पे स्थापित करने का। लग गए नहीं मैंटी ने मारा। खत्म। जिम जैम वाली स्क्वाड बाहर। आईकू सोल के पास पूरा अपॉर्चुनिटी है गैप क्लोजिंग करने का। अरे भाई लेट्स सी हाउ आईकू सोल डस। एक फिनिश 3 मैन स्ट्रॉन्ग। 2 फिनिशेस।
जोन भी उतना डिफिकल्ट नहीं है उनको लेना। कोई ये कहां से आया ग्रेनेड? राणा दीप दो बंदों को नॉक किया ग्रेनेड से। Ronnie is the last man standing. He is the last hope of team IQ. He is pushing. अगर यहाँ पर IQ Soul का elimination होता है तो फिर comeback की संभावनाएं बहुत कम, चाहे दूसरे पायदान या तीसरे पायदान से कोई समझौता करना पड़े। और ऐसे में Ronnie वो आगे जाएंगे 1v1 की वो फाइट लेंगे। अबे ये क्या हो गया? अबे ये क्या हो गया? CS रणदीप 1v4 या 1v3 जो भी है, I think 1v4 maybe, I'm not sure. IQ Soul, wow. Just wow. एक ग्रेनेड से दो बंदे नॉक थे, उसके बाद प्योर 1v1 में रोनी भाई थोड़ा सा चोक सीन किया। भाई बता रहा हूं एवरी टाइम WSB चोक्स, IQ Soul चोक्स एज वेल। भाई ऐसा तो नहीं होगा ब्रो, ऐसा तो सोल हैशटैग बनाना नॉट पॉसिबल। इसके बाद सिर्फ एक मैच बचा है, एनीथिंग कैन हैपन इन दैट मैच, एनी फ्रिकिंग थिंग। गया गाइस, एरोबॉट्स का चिकन नहीं है। पीछे से अभी भी टीम तबला के मिस्टर राइजर वो सरवाइव कर रहे हैं, क्या वो लास्ट मोमेंट पे आके कुछ अलग-थलग करके जा पाएंगे वो देखने वाली बात। स्पाइक की बात करें, वो स्पाइक क्या बात है मियां, क्या बात है, क्या उसको पता था ये क्या सीन है? स्पाइक और एरोबॉट इस व्हाट इज दिस चिकन डिनर उनके नाम जाता हुआ। आगे एक सवाल, मेरा मारी है ना, इज इट मेरा मारी? दिस वाज एक्स केमिनी स्पोर्ट्स लाइनअप। Spy is a YouTuber as well. He's the youngest esports player, I think. Maybe I'm not sure. सच तो नहीं है, मुझे पता है the player, but थोड़ा सा लगा है वो वाला सीन। ओरे भाई साहब, देख लिया इसको भी है। With that, Aerobots winner winner chicken dinner. अब सिर्फ एक मैच बचा है, उसके बाद we will have our champions. Is it gonna be WSB or IQ Soul? Let's take a look. भाई ये क्या है? IQ Soul versus WSB. मजा आ जाएगा भाई, मजा आ जाएगा, पता मजा ही चल जाएगा। ये हो गया ना बैड डाइस, IQ Soul 3 मैन है, नॉट श्योर ये होगा कि नहीं लगता। ये होने वाला है लगता है, पक्का होगा भाई, पक्का होगा, अब तो होगा। अरे बाप रे बाप, नाइस वन रे रोनी, नाइस वन। डाउन करते हुए नजर आएंगे, अभी भी वो जो एक होप है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो बरकरार रहने वाली है भाई, सोच के लिए भी। अरे भाई, पावर ने दे दिया रेडन को, अरमान पावर भी नॉक, पावर उनको उस गाड़ी से कुछ ना जाएगा। अभी भी जो सिचुएशन है वो इवन स्टीवन ही हमें देखने को मिल रही है, लेकिन एक और स्क्वाड है जो अब यहां पे घेराबंदी करते हुए नजर आएगी। गॉड्स इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, गॉड्स सॉरी गॉड्स लास्ट मैन नहीं था, सिर्फ लास्ट मैन है, सिर्फ लास्ट मैन है। अगर वो इस फाइट में और देर तक रुके तो मुश्किलें उनके लिए बढ़ सकती है, जितना जल्दी हो उतना। व्हाट ए कॉन्फिडेंस IQ Soul हैज, दे न्यू कि द ओनली कंपटीशन दे हैव इज WSB, तो दे थॉट कि भाई फाइट ले लेते, 3v4 है फिर भी ले लेते। भाई ह्यूज ह्यूज बॉल्स IQ Soul, सिर्फ प्लेइंग इट सेफ, सोलो मैन खेल रहा अभी, ही नोस कि अभी जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा उधर। सिर्फ के ऊपर टीम भी आ रही है एरोबॉट्स का, सिर्फ भी खत्म विद दैट, WSB बाहर। अगर IQ Soul इस मैच में 15-20 किल चिकन निकालेगा तो शायद जीत सकते, आई एम नॉट श्योर पॉइंट टेबल में कहां चल रहे वो। इतना पता है कि 15 से 20 पॉइंट का डिफरेंस है, उससे ज्यादा तो नहीं। भाई टॉप 7 में आ गया IQ Soul, 3-man strong, अगर चिकन में कन्वर्ट हो गया ना मजा ही चल जाएगा। द टॉप 7 टीम्स आर IQ Soul, टीम तमिलास, एरोबॉट्स, रेवेनेंट ईस्पोर्ट्स। ओए मुझे लगा कोई बैन हो गया, पता ओ जी। ओरे भाई टीम तमिलास का फॉक्स ओपी इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये क्या था भाई? ड्रिगर फ्रैगर है, वे टॉप फ्रैगर आई थिंक, वो टॉप फ्रैगर है इस टूर्नामेंट का। चलो टॉप 4 आ गया IQ Soul, 5 फिनिशेस, स्टिल
अभी सारे किल्स निकाल के चिकन कर दिए ना, मजा आ जाएगा देखने में। पावर का एचपी बहुत लो। ओरे आइकुसोल बाहर हैशटैग 4 विद 5 फिनिशेस। आई डोंट थिंक दैट वुड बी एनफ। हैशटैग 4 पे आई थिंक 6 पॉइंट या 4 पॉइंट मिलेंगे विद 5 दैट इज 10 ओनली। I don't think that is enough for Aikusol. Meanwhile, blind. अच्छा matches नहीं गए पूरा दिन, but last match in style finish करने की कोशिश कर रहे हैं। 13 finishes. And I think it should be an easy chicken dinner for blind esports क्योंकि Troy is the last man standing. 1v4 situation है Troy का। WSB का कुछ kills हुआ इस match में? I think एक kill हुआ WSB का। फिर भी यार आई डोंट थिंक सो। WSB आर द चैंपियंस ऑफ स्काई ग्रैंड फाइनल्स। मैं गलत भी हो सकता हूँ बट मेरा कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग तो WSB जीत गया। क्या कर रहा था ट्रॉय विद दैट ब्लाइंड विनर चिकन डिनर अच्छा खासा किल्स के साथ। भाई मुझे पॉइंट टेबल देखना है। स्काई स्पोर्ट्स प्लीज जल्दी डालो। ओवरऑल स्टैंडिंग्स आर हियर। WSB गेमिंग आर द चैंपियंस ऑफ स्काई स्पोर्ट्स चैंपियनशिप सीरीज विद 261 पॉइंट्स। लुक एट द एलिमिनेशंस बे, लुक एट द फिनिश पॉइंट्स 181। हाईएस्ट फ्रैगिंग टीम सोल 9 पॉइंट शॉर्ट एंड ब्लाइंड स्पोर्ट्स हैशटैग 3 विद 241 पॉइंट्स। टीम तमिलास हैशटैग 4 फॉलोड बाय रेवेनेंट ओजी Hydra Official and Medal Esports. Bhai, look at the numbers. Kitna close competition, bhai. Insane, bhai. Insane. One of the best tournaments that I've seen this year. 36 matches ka alag hai, pata. Only the very consistent teams can win the tournament. Aisa nahi, 3 din, 6 match. Ek do din achha gaya and tum jeet gaye tournament. Aisa nahi. 6 days, you have to be very consistent. Then only you can win the tournament. एक नंबर में, एक नंबर। अभी अपन सेकंड पेज भी एक बार देख लेते हैं। ओह, ऑन सेकंड पेज वी हैव एनटीटी 216। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन एनटीटी ऑन हैशटैग 9। कोई बात नहीं, होता है। रेकनिंग कुछ खेला भी नहीं फिर भी 112 पॉइंट्स इकट्ठे किए। एंड सीएस स्पोर्ट्स 15th, जिम जैम वाली स्क्वाड 14th, एक्सपार्क एरोबॉट्स 13th, 12th, विंड गॉड 11th एंड केम इन 10th। इस पेज पे विंड गॉड एंड एक्सपार्क कि फ्रैग्स देख के अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत अग्रेसिव खेले ये टीम्स। एंड सीएसई स्पोर्ट्स का रणदीप एंड फ्रैगर का हैंड कैम्स मेरे को एक भी नहीं मिला जब से मेरा बात हुआ। एंड मैं अभी आगे से कुछ पूछने वाला भी नहीं हूँ, कैसे भी हो रहा हैशटैग 15 है। बाकी फ्यूचर में देख लेंगे, BJS में फिर वापस मिलेंगे। आई हैव गुड कम्युनिकेशन विद द टीम सो आई होप दे प्रोवाइड देन, अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करेंगे तो, जो वो करते यूजली। चलो भाई, कंग्रेट्स टू WSB गेमिंग फॉर विनिंग अनदर टूर्नामेंट। दिस इज बैक टू बैक चैंपियंस मोमेंट फॉर WSB। इससे पहले वन प्लस वाला भी मैंने कवर किया था, उसके भी चैंपियंस WSB, नाउ स्काई का भी चैंपियंस WSB। इज दिस स्टार्ट ऑफ ए न्यू एरा बाय WSB? जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी एक बार टॉप फ्रैगर्स का भी एक बार देख लेते कौन है। द टॉप फ्रैगर ऑफ स्काई स्पोर्ट्स इज ब्रिगर ओजी का 57 फिनिशेस, followed by WSB gods Raiden, Wind God Max and Ninja Jod. By team expert ka utna down performance hashtag 12 kuch chal raha hai, fir bhi Ninja Jod in top 5 fraggers. By good job bhai Ninja, good job, good for you, keep shining brother. Congrats to OG Trigger for becoming the top fragger of this tournament. With that, Sky Esports Championship Series 2024 has come to an end. I hope you guys enjoyed my videos covering this tournament. अगर तुम लोग को आगे भी ऐसा videos देखना है तो इस channel को subscribe करना मत भूलना and like करके मत भूलना. Also, next video बहुत खतरनाक होने वाला है. Let's see if any of you can guess what it's going to be. कोई सही guess करेगा उसको मैं heart दूंगा, ठीक है? Let's see who gets it right. And with that being said, मैं मिलता हूँ आप लोग से next video पे. Until then, peace.